हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ अलग ही बात करने वाले हैं। तो वो बात शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन का अप टू डेट मिलता रहेगा। तो आपने वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो मैं वीडियो का टॉपिक आपने तो टाइटल में भी देख लिया, मैं टाइटल भी बता देता हूँ कि हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में, जो COVID-19 से मशहूर है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भाई, हम लोग ये था कि कल परसों ऐसे इसमें हम बैठे थे, अखबार पढ़ पढ़ के थक गए थे कि भाई कितनी हम बात हुई, कितने रिकवर हो गए, कहाँ पे कितने केसेस हैं, कितने केसेस मतलब कितने केसेस में आप ऊपर गए हैं, कितने केसेस नीचे आए, किस शहर में ज्यादा केसेस हैं, किस शहर में कम। हम ये पढ़ पढ़ के थक गए थे कि भाई अब थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए और अब कहीं और क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सोशल मीडिया पे जाया जाए और देखा जाए कि वहाँ क्या हालात है। वहां पे मैं इतनी रिसर्च नहीं करता, मैं खाली ऐसी अपनी स्टेटस या दोस्तों से बातें करता होता हूँ। वहां पे मैं गया और रिसर्च की, तो मेरे सामने एक वीडियो आती है जिसमें एक बच्चा अपने चश्मे, बच्चा नहीं कह सकते हम, बड़ा आदमी मतलब लड़का, नौजवान, अपने नौजवान बच्चा ही बन जाता है, वो अपने चश्मे के साथ खेल रहा होता है। तो इसके पेरेंट्स आके बुलाते मतलब बुलाते हैं उसे और कहते हैं कि बेटा आप पार्सल हर वक्त मंगवा रहे हो, तो भाई क्या है। तो बोलते हैं कि भाई मैंने पार्सल नहीं मंगवाया। अब क्या होता है कि भाई वो है, वो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम लिखा है। अब वो कहता है ना कि सस्पेंस सस्पेंस जाग गया उसके अंदर। अब भाई वो सच भाई हो गया भाई कि यार अब मैंने मंगवाया नहीं, अम्मा अम्मा ने भी नहीं मंगवाया, तो कौन लाया भाई। वाह, ऐसा लो, ऐसे लोग हमारे पास क्यों नहीं आते। फिर हम देखते हैं कि वो अंदर जाता है और अपनी गिफ्ट जो या पार्सल कहते हैं वो है, उसमें खोलना शुरू कर देता है। अब भाई खोला खोला भाई, अब खोले डब्बा, खोला डब्बे में से चीज निकलनी चाहिए ना, अब डब्बे में से डब्बा निकल रहा है। अब कहते हैं ना वो एक कजन जो दो भाई अपने भाई या बहन अपने कजन के उसमें लिखते हैं ईद कार्ड में, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मगर बेचारे में डब्बा निकल रहा था। चलो भाई एक खत्म हुआ, दो खत्म हुए, तीन खत्म हुए, चार हो गए। अब भाई आखिरी डब्बा खोला, अब भाई वो सोच रहा होगा कि भाई उसने अलादीन का चिराग होगा जो इतने महफूज तरीके से ऊपर है, मगर उसमें बेचारे क्या कसूर, उसके उसमें से शीशे निकलती है। अब वो और सस्पेंस में आ जाते हैं भाई, शीशे में हो सकता है कि कोई मैजिकल वर्ड्स लिखे हो कि ये पढ़ो और जिन सामने आ जाएगा, जो कहोगे वो हो जाएगा। मगर जब वो देखता है तो पर्चा खोलता है तो उसमें चार मैजिकल वर्ड्स निकलते हैं, और चार प्यारे प्यारे मैजिकल वर्ड्स क्या होते हैं कि गो करोना, करोना गो। वो भाई वो देख कर निकल जाता, सड़ के निकल जाता कि भाई ये क्या मजाक है, ओ भाई मारो, मुझे मारो, ये मजाक हो रहा है भाई। चलो हमने बोला भाई यहाँ आगे हम और नहीं जा सकते, पता नहीं और क्या हो, यहाँ पे हमारी इतनी आदत हो गई और क्या होगी। हम चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। अब इंस्टाग्राम पे भी वो ऐसी कुछ ऐसी हालात थी, मगर थोड़ी बेहतर थी, मगर उसमें भी ऐसा था। फिर हम चल हमने बोला यार छोड़ो, इन दोनों चीजों को छोड़ो और हम चलते हैं यूट्यूब की तरफ। अब हमने यूट्यूब खोला तो हमारे पास एक अच्छी वीडियो आई जिसमें यूट्यूबर्स ने कोरोना वायरस को एलियन बना दिया। भाई वाह, अब कोरोना वायरस एलियन के रूप में देखा जाएगा। मगर मैं पहले बता दूं, उसके मतलब जब उसने वीडियो स्टार्ट करी थी तो उसने बता दिया था कि अगर सोचिए कि जो कोरोना वायरस है वो एलियन के रूप में आपके मतलब दुनिया में आ जाए तो क्या होगा। तो उसने बोला चलो फिर सही है, फिर हम देखते हैं। फिर वो मजाक या एंटरटेनमेंट पर्पस में थी तो वो आगे हमें भी मजा आना शुरू हुआ। वो क्या होता है कि भाई अब उस बेचारे एलियन जो कोरोना वायरस बन के आया था उसमें दुनिया में, वो बेचारा तबाह बर्बाद की हालत में गुजरा था। कोई उससे दही मंगवा रहा था या तो कोई उसे सेल्फियां ले रहा है। ओ भाई मारो सेल्फियां। अब भाई बंदा बोलता है, दही की बात समझ आती है कि उसे सोशल डिस्टेंस करके मंगवा लिया, उसे सैनिटाइज कर लिया, उसको जो सामान मंगवा रहा है या कोई ऐसा कर रहा है, या थाली को सैनिटाइज वो कर लिया, साफ कर लिया, मगर सेल्फी यार बंदा वो करे। फिर
चलो उसमें भी हमने मान लिया कि भाई चलो अगर एलियन के रूप में आया तो लोग उससे लोग वो और उसकी बात कोरोना वायरस में जो एलियन होता है उसका डायलॉग भी होता है कि भाई लोगों को मुझसे मैं मुझे लोगों से चिपकना चाहिए या लोग मुझसे चिपकना चाहिए। ये मैंने बोला यार चलो कोई बात नहीं ये बेहतर है। उसके आखिर में मतलब एंड में उसने बता दिया था कि ये एक एंटरटेनमेंट पर्पज है और इसमें कोई ऐसा नहीं है, वैसे ये बहुत खतरनाक है और इसमें हमें अपने आप को सेफ और मास्क पहनना चाहिए और हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए जिससे हम बचे रहें। अब भाई अब चलो भाई हमने यहाँ पे मान लिया कि भाई ये सही है, इसमें आप मैसेज भी प्रोवाइड करो और अपनी कंटेंट भी बता रहे हो, चलो ये मान लिया ये बेहतरीन है। अब हम चलते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे चलो हमने मान लिया कि वेबसाइट के थ्रू या किसी के थ्रू आपको पता चल गया है कि उसका साइज क्या है, वो कहाँ हमारे प्यारे नौजवान डॉक्टर्स ये खोद के निकल गए, सोच बूझ के निकल गए कि भाई ये कहाँ से आया, हमारे प्यारे यूट्यूबर्स ने पता लगा लिया कि क्या आता हुआ है। मगर मैंने बोला यार छोड़ो, हो सकता है कि उनको किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी के थ्रू पता चल गया तो हमने इसे छोड़ दिया। मगर भाई भाई जब कोरोना वायरस का इलाज होता है मतलब आपको टेस्ट चलता है कि भाई आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो आपका वहां पे हॉस्पिटल जाके किया जाता है जहाँ प्रॉपर तरीके से किया जाता है। मगर हमारे प्यारे यूट्यूबर्स ने वो भी निकल जाए, भाई आप पैसे क्यों जाओ राया, सस्ता जुगाड़ निकालो निकालो सस्ता जुगाड़, वहां क्या है भाई ये कर लो, अगर ये है तो आपका ये है वरना तो वो है, यानी आपने ये चीजें कर ली मतलब ये मतलब ये टेस्ट कर लिया तो समझो अगर ऐसे पास हो गए तो सही है वरना तो आपको मालूम है। ओ भाई मजा आ गया भाई वाह, आप चेक करना सस्ता जुगाड़। चलो भाई यहाँ भी हम सबर का इंतजाम करके इसको बंद करते हैं और थोड़ा सा ना हम टिकटॉक की तरफ जाते हैं। अब भाई हो सकता है टिकटॉक इतना ट्रेंड में भी चल रहा था पहले और चल रहा है, उसमें लोग अब वो कर रहे हैं वो तो हो सकता है इसमें लोग अपनी मतलब बता रहे हो कि भाई आप इससे रहें, आप मास्क पहने हैंड सैनिटाइजर यूज करें या आप लोगों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर देते रहे वीडियो बना रहे हो वो सही, मगर कुछ ऐसी वीडियोस थी जिनमें ये गाना यूज करा होगा जो आपको अभी सुनाता हूँ। करोड़ा गो 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 गो करोड़ा गो करोड़ा गो। अब आपने गाना सुन लिया है तो मैं आप कैसा महसूस हो रहा है, हो सकता है आप कुछ के आप लोगों में से कुछ के कानों में से खून की नदियां बह जाएं, या आप छत से 3 दफा कूदा मार लो या अपने आप को फांसी के फंदे में लगा दो, क्योंकि जो ये है गाना है मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई उसका आप बेइज्जती करना चाह रहे हो या उसको वो करना चाह रहे हो। भाई मेरा तो यहाँ पे सब्र तहम्मुल का जो दौर था मतलब वो था वो तो भाई टूट गया, टूट के तबाह बर्बाद हो गया भाई आपका, हमने बोला भाई नहीं। फिर यहाँ पे ना यहाँ पे भी बात नहीं खत्म होती, यहाँ पे मैं एक बात शेयर करूंगा क्या वो छोड़ो, वो बात अजीब सी बात है वो छोड़ो भाई, हमारी वीडियो सस्ती हो जाएगी। फिर अब भाई यहाँ पे हमारा सब्र तहम्मुल का एरिया टूट गया था, हमने बोला कि भाई यहाँ पे ना आपकी जो वो है अखबारात बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे आपको बस सीधा आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देते हैं कि इतने हम बात हैं इतने हैं और आपको इतना सेफ रहना है इतना है वो है। मगर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं या कोई और है मतलब मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा ना किसी को लेट डाउन करना चाह रहा हूँ, मैं खाली इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा था कि भाई ऐसे हमारे में है मुल्क में और दुनिया में यूट्यूबर्स जो है। अब भाई आप यूट्यूब में एनिमेशन जैसे मैंने बहुत सारी एनिमेशन देखी तो आप किसी बॉलीवुड या किसी साउथ इंडियन या किसी की भी आप वीडियो को एनिमेट करते हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जाओ और जाकर ऐसे वीडियोस को छोड़ के आप किसी ऐसी एनिमेशन करो जिसमें आप दिखाओ कि आप कोरोना वायरस आप कैसे फाइट करते हो, क्या कर रहे हो आप, क्या सेफ्टी मेजर्स अपना रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं यही कहूंगा कि आपसे भी यही कहूंगा जो मेरे सुनने वाले हैं मेरे व्यूवर्स हैं मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो
भाई अभी कोरोना वायरस, मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लेट डल रही है, जिसमें ये है इसमें बातें बहुत डिस्कस हो चुकी हैं, तो मेरी ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, तो इसमें मैं आपसे माजरात करता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, अभी भी दुनिया में मौजूद है, तो भाई अपनी जिंदगी को बचाना है ना, तो भाई मास्क पहनो, मतलब हर वक्त अपने हाथ को धोते रहो, जब गंदे से आओ या पसीने में आओ नहाओ, या हाथ धो लो या मुंह का छपका मार लो, जैसे पसीने में आओ तो नहा, मैं ज्यादा वो दूंगा कि नहा लो, क्योंकि लोग होते हैं ना पसीने में आता तो छपका मार लेते, तो इस वजह से ठंडक महसूस आती है, मैं बोलता हूँ नहा लो, जिससे आपके ना थोड़ा सा जिससे में वो हो जाएगा, या और हैंड सैनिटाइजर को अच्छा हैंड सैनिटाइजर खत्म हो चुका है तो स्टोर में जाके आप खरीद दो, और वहां से आप अच्छा सा परचेज करो, और अच्छा उसमें लो क्वांटिटी में, कि आपको परेशानी ना हो बाद में। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपने आप को, अपने आप लोगों का, मतलब अपनों का, अपने आप का, अपनों की लोगों का, बाहर वालों, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेथ्स हो रही हैं, बहुत लोग अपनी जानें छोड़ रहे हैं, मतलब अपनी जानों से कूच कर गए, मौत के मुंह में जा गए। तो मैं यही कहूंगा कि आप भाई ये करो और अपनी सेफ्टी मेजर्स अपनाओ, मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइजर यूज करो, और हर बार हाथ धोते रहो, जिसकी वजह से आप थोड़ा नहीं, मतलब थोड़ा 50% तो आप सेफ हो जाओगे ना कोरोना वायरस से। और ये है कि आप बहुत सारे तरह वाला जो मजिमा बन जाता है ये है, तो उसमें जाने से परहेज करो, और दूसरों से हाथ मिलाना, गले मिलना, उससे भी थोड़ा सा परहेज करो, खे भाई थोड़ा सा एहतियात करो, ये भी है भाई बहुत पुरानी आदतें हैं, लोगों से मिलना, हाथ मिलाना, ऐसी आदतें हैं, तो ये ऐसा ऐसा आपसे आप उसको कंट्रोल करो, ये हो जाएंगे कंट्रोल, अगर आपने अपने दिल में मान लिया ना। और मैं ये बताऊं कि भाई कोरोना वायरस को ना अपने जहन पे नहीं लो कि भाई ये है कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप वहम ही नहीं बनो, जिसकी वजह से आपके उस पे आप जो होना भी नहीं होना वो हो जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी कोई पढ़ाई आप बोलोगे कि भाई ये पढ़ाई मुझसे नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, और वो यकीनन मेरे साथ भी होता है कि मैं बोलता हूँ ना पढ़ाई नहीं हो रही, वो पढ़ाई होती भी नहीं है, आप जितना दिमाग ला लो आपका पढ़ाई, क्योंकि आपने दिमाग को इतना बोल दिया है, अब दिमाग उस काम को करना छोड़ देता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा अपने ऊपर इतना बढ़ाव नहीं डालो, दबाओ के आपका दिमाग यही सोचना भूले कि, और आपको अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ऊपर वाला तौबा तौबा, कि आपको कोई मसला हो, कोरोना वायरस हो या ना हो, मैं यही कहूंगा कि भाई अपने आप को सेफ रखो, और थोड़ा सा मिलना जुलना को कम करो। तो मेरी वीडियो यहाँ पे एंड होती है, मैं होप करता हूँ मेरा मैसेज और मेरी वीडियो अच्छी हो और आप लोगों को इसको पसंद आई हो, अगर आपको पसंद आ गई तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियोस चाहिए आपको तो आप मेरे चैनल मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपना लिंक आपको अबाउट में दिया हुआ है, और फेसबुक पेज का भी, तो आप मुझे वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, तो अल्लाह, और आपको यही कहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।